ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, उसके क्या उपाय हैं। ब्रह्मचर्य जीवन जीने के उपाय, शरीर के अंदर विद्वान वीर ही जीवन शक्ति का भंडार है। शारीरिक एवं मानसिक दुराचार तथा प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक मैथुन से इसका क्षरण होता है। कामुक चिंतन से इसका नुकसान होता है। तो एक्चुअली में इससे बचने के कुछ सरल उपाय हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ब्रह्मचर्य जीवन जीने के लिए सबसे पहले मन का साधने की आवश्यकता होती है, मन को साधने की आवश्यकता होती है। अतः अन्नमय कोष की साधना करें। भोजन पवित्र एवं सादा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। कामुक चिंतन आने पर आपको जो उपाय करने हो मैं आपको बता दे रहा हूं। जिस प्रकार गन्ने का रस बाहर निकल जाने के पश्चात कोई काम का नहीं रह जाता, उसी प्रकार व्यक्ति के शरीर से वीर्य के न रहने पर होता है। इस भाव का चिंतन करें। तत्काल निकट के देवालय में चले जाएं एवं कुछ देर वहीं पे बैठे रहें। अच्छे साहित्य का अध्ययन करें, जैसे ब्रह्मचर्य जीवन की अनिवार्य आवश्यकता, मानवीय विद्युत के चमत्कार, मन की प्रचंड शक्ति, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, हारिए न हिम्मत जैसी चीजें। अच्छे व्यक्ति के पास चले जाएं जो पॉजिटिव एनर्जी वाला हो। अपने घर रिश्तेदार में रहने वाली महिलाओं को याद करें कि घर में मेरी माता है, बहन है, बेटी है। अतः सामने खड़ी लड़की महिला भी उसी रूप में आपको नजर आएगी। लड़कियों से आंख में आंख मिलाकर बात न करें, क्योंकि शरीर में विद्यमान विद्युत शक्ति सबसे ज्यादा आंखों के माध्यम से बाहर निकलती है और प्रभावित करती है। मैथुन क्रिया से होने वाले नुकसान जो है मैं आपको बता देता हूं। शरीर की जीवन शक्ति घट जाती है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, आंखों की रोशनी कम होती है, शारीरिक एवं मानसिक बल कमजोर होता है। जितना वीर बचाओगे उतना ही जीवन पाओगे। जिस तरह जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही निरोग रहने के लिए वीर चाहिए। ऑक्सीजन प्राणवायु है तो वीर जीवन शक्ति। अधिक मैथुन से स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, चिंतन विकृत हो जाता है। सात्विक भोजन, सकारात्मक चिंतन एवं सेवा कार्यों में व्यस्त रहने से मन नियंत्रित होता है। मन के नियंत्रण से ब्रह्मचर्य जीवन साधने में सरल हो जाता है। अभी ब्रह्मचर्य रक्षा के उपाय मैं आपको बता देता हूं। उपाय बताने से पहले सबसे उनके पिछले गलत आदतों, घटनाओं और समस्याओं को कागज में लिखिए और पढ़कर फाड़ दीजिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, तेज मिर्च मसालों से बचे, शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन करें, सभी नशीले पदार्थों से बचें, गायत्री मंत्र या अपने इष्ट मंत्र का जप व लेखन करें, नित्य ध्यान मेडिटेशन का अभ्यास करें। रात्रि में दूध पीते हैं तो सोने के एक दो घंटे पहले पिएं, वो ठंडा करके पिएं। रात्रि शयन के पूर्व महापुरुषों के जीवन चरित्र का अध्ययन करें। मन को खाली नहीं छोड़ें, किसी रचनात्मक कार्य और लक्ष्य से जोड़े रखें। नित्य योगाभ्यास करें। निम्न आसन व प्राणायाम अनिवार्य है। आसन पश्चिमोत्तासन, सर्वांगासन, भद्रासन, प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सब करने हैं। एकांत में लड़कियों से बातचीत, मेल मिलाप से बचें। काम तत्व के ज्ञान विज्ञान को भी समझा जाए। परमात्मा ने अपनी सारी शक्ति बीज रूप में मनुष्य को दी है, वो शक्ति कुंडलिनी कहलाती है। मूलधार चक्र में कुंडलिनी महाशक्ति अत्यंत प्रचंड स्तर की क्षमताएं दबाए बैठी। पुराणों में इसे महाकाली के नाम से पुकारा गया है। मोटे शब्दों में इसे काम शक्ति कह सकते हैं।
काम शक्ति का अनुपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग किस प्रकार मनुष्य के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, उसे आध्यात्मिक काम विज्ञान कहना चाहिए। इस शक्ति का बहुत सूझबूझ के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए, यही ब्रह्मचर्य का तत्व ज्ञान है। बिजली की शक्ति से अगिनत प्रयोजन पूरे किए जाते हैं तथा लाभ उठाए जाते हैं, पर यह तभी होता है जब ठीक उसी तरफ प्रयोग करना आए, अन्यथा चूक करने वाले के लिए तो बिजली प्राणघातक सिद्ध हो सकती है। नर और नारी के बीच पाए जाने वाले प्राण और रिये, अग्नि और सोम, स्वाहा और स्वधा तत्वों का महत्व सामान्य नहीं, असामान्य है। सृजन और उद्भव, उत्कर्ष और आहत की असीम संभावनाएं उसमें भरी पड़ी है। प्रजा उत्पादन तो उस मिलन का बहुत ही सूक्ष्म, स्थूल और अति तुच्छ परिणाम है। इस सृष्टि के मूल कारण और चेतना के आदि स्रोत इंद्रिया संस्करण और संचरण के ठीक तरह से मूल्यांकन किया जाना चाहिए और इस तथ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि इनका सदुपयोग किस प्रकार विश्व कल्याण की सर्वोत्मुखी प्रगति में सहायक हो सकता है और इनका दुरुपयोग मानव जाति के शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य को किस प्रकार छिन्न विकृत करके विनाश के गर्त में धकेलने के लिए दुर्दांत दैत्य की तरह सर्वग्राही संकट उत्पन्न कर सकता है। सच तो यह है कि इस पंचाग्नि विद्या की अवहेलना, अवमानना से हमने अपने ही अहित किया है। तो मैंने आपको यह बता दिया कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन किस तरह से करना चाहिए। अतिवाद का एक सिरा यह है कि नारी को कामिनी, रमणी, वेश्या आदि बनाकर उसे आकर्षण का केंद्र बनाया गया। अतिवाद का दूसरा सिरा यह है कि उसे पर्दे, घूंघट की कठोर जंजीरों में जकड़कर अपंग सदृश बना दिया गया है। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि ब्रह्मचर्य के जो उपाय हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।